चलिए अभी हम झाड़ू लगा लेते हैं तीसरे पहर की। तो आज की वीडियो मैंने शाम से स्टार्ट की है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आशा है मेरी आप सभी ठीक होंगे। तो आज सोच रहे होंगे जो तीन लोग कैसी है, झाड़ू लगाते लगाते हेलो कर रही है। कोई बात नहीं, काम करते हुए बात कर लिया आपसे, क्या दिक्कत है? वैसे तो मैं तीसरे पैर की झाड़ू लगा रही हूँ आज का लोग मेरा शाम से स्टार्ट। अभी मैंने और अमनी ने थोड़ी सी मस्ती की है और कायरव ने, तो अभी उसके बाद यहाँ पर आ गई थी चाची जी, तो ये भी परिवार की हैं। वो बैठी हुई थी और मम्मी जी बैठी हुई थी, तो मैंने चाय बनाई थी तो दोनों के लिए। और उनके साथ आए हैं उनके पोता पोती, मतलब अमनी के फ्रेंड हैं ये। तो तीनों लगे हुए थे यहाँ पर, गाने बजा कर डांस कर रहे थे, टी वी देख रहे थे। और चाची जी काफ़ी टाइम के बाद आई है, क्योंकि कोरोना चल रहा है उस वजह से कोई भी नहीं आ जा रहा, तो आज वो काफ़ी टाइम के बाद आई थी। तो मैंने उन दोनों के लिए चाय बनाई थी। वैसे आप लोग कमेंट करते हो कि कभी सासू को रोटी या चाय देती हुई नहीं दिखती हूँ। देखिए, उन्हें पता नहीं था कि वीडियो बन रही है। अगर पता चल जाता तो बिल्कुल भी नहीं चाय पकड़ती वो, चाय वीडियो में आना ही नहीं चाहती हैं। क्या करूँ मैं, अभी तैयार नहीं है। तो अभी देखिए शाम का समय हो गया है और मुझे निकालना है दूध। तो अभी मैं दूध निकालने के लिए आ गई थी और मैंने गाय को नैना लगा दिया था और छोटी बच्चियाँ बांध दी थी। तो इतने में गाय ने नैना खोल लिया, फिर दोबारे से लगाना पड़ रहा था मुझे। तो देखिए जैसे जैसे छोटी बच्चे आगे पीछे होती रहती है, गायें भी आगे पीछे पांठती रहती है, इस छोटी बच्चे को चाँटती रहती है। और जैसे ही आगे पीछे होती है बच्चियाँ या फिर इसके साथ वो करती रहती है, इधर उधर होती रहती है, तो ये भी इधर उधर होती रहती है। एक जगह स्थिर होकर दूध नहीं देती है, कभी इधर कभी उधर, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ता है इसके साथ साथ। और देखिए अभी मेरा बस दूध निकल चुका है और मैं इसे दोबारा से फिर से छोड़ दिया है वो बच्चियाँ। इतने में दूध की बाल्टी अंदर रखे आऊँगी, जो मैं यहाँ रख देती हूँ। और मैं छोटी बच्चे को दोबारा जो चुंगने के लिए छोड़ती हूँ, उसका क्या है, वो एकदम कूदती है, कभी दूध की बाल्टी खिंच जाए और यहाँ रखी रहेगी। तो पहले मैं दूध की बाल्टी टेके आऊँगी, इतने उसे छोड़ दिया है, वो दूध पी लेगी। और अंदर देखे अपनी लगी हुई है और उसकी अम्मा बैठी हुई है, वो कायरव को ले रही थी। और मैं दूध निकाल कर लाई हूँ, शाम के समय के का टाइम है। तो देखिए अब जो दिन, मतलब दिन छिप रहा है, थोड़ा थोड़ा दिन छिपने लगा है, मतलब अंधेरा है हल्का सा, हमने लाइट भी चला दी और कहने के लिए चांदना भी है, 6:30 बज रहे थे। देखिए दिन किधर तो अंधेरा हो गया था जिधर पशुओं का दूध निकालते हैं। तो अभी मैंने दूध निकाल लिया था, दूध निकालने के बाद वापसी हम इसे यहीं खड़ुंचे पर बांध देते हैं। देखिए खड़ुंचा तो ये ख़राब ही है बस, पर थोड़ी बहुत देर के लिए बांध दे, घास वगैरह खाती है, उसके बाद हम इसे यहाँ रात में पेड़ के नीचे बांध देते हैं। तो अभी मैंने इसे बांध दिया है और छोटे वाली को भी बांध दिया। तो अभी मैं दूध निकाल कर ले आई थी और मुझे बनानी है आज मसूर की दाल, तो मैं इसे धोकर भी ले आई थी, मसूर की दाल निकाल भी ली थी। मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा लेट हो गया है, अब दूध काटने में ही 6:30 बज गए तो फिर लेट हो जाएगा। तो जैसी बनी शाम की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने गैस पर कुकर रखा था, इसमें तेल भी डाल दिया था और तेल भी गर्म हो चुका था, और अभी मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। मुझे कमेंट करेंगे कि प्याज तो है ही नहीं इसमें, बिल्कुल भी प्याज नहीं खा रहे हो। तो देखिए कोरोना चल रहा है, प्याज लेते तो डर लग रहा है, पर एक दो दिन में ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि लेंगे नहीं है, बाज़ार से ले आएंगे। तो अभी मेरा जीरा हो जाएगा और उसमें डाल दूँगी मैं हल्दी, नमक, मिर्च।
अभी मेरी दाल छुक चुकी थी और मैं लगा रही थी कुकर का ढक्कन, तो देखे काफ़ी अंधेरा हो चुका है। मेरी शाम की रोटी को काफ़ी लेट हो जाता है, पहले दूध निकालना होता है, उसके बाद फिर अगर कोई सब्जी बनानी होती है। देखिए शाम में क्या होता है, एक का काम करती हूँ कायरव को ले लेती हूँ, एक का काम को मेरा वो ज़्यादा रोता है, शाम को तो बिल्कुल भी नहीं रहता। अभी दाल छोंकने से पहले उसे ही ले रही थी, फिर उसके बाद तो देखिए मैंने आटा पिछान लिया था और बना भी लिया था। उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए मेरा आटा बनकर तैयार हो गया था और मैं रोटी सेक रही थी, और अपनी को देखिए टिफ़िन में दाल गाल रखी है और रोटी ले ली, ऐसे ही खा रही थी, और एक तरफ खा रही थी उसकी अम्मा, तो वो आप लोगों को नहीं दिख रही है, वो वीडियो में नहीं आती है, तो बस मैं अपनी शूट कर रही थी, तब मैं दोनों के लिए रोटी सेक रही थी। और राठी जी भी कायरव को ले रहे थे, कह रहे थे कि मैं बाद में खा लूँगा, पहले मम्मी खा लेगी, क्योंकि एक रोटी लेगा और एक ही खाना खाएगा। तो देखिए अभी मेरा खाना बन चुका था और मैं अपने लिए खाना खा लाई हूँ, या मैं ले रही हूँ रोटी और मसूर की दाल आई है, तो आप लोग भी खा लीजिए, खाने की प्लेट तैयार है, मम्मी ने भी खा लिया, हठी जी ने भी खा लिया था, बस अभी मैं ही रह रही थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्याज अचार वगैरह कुछ नहीं ले रही, तो प्याज तो है ही नहीं और अचार मैं खाती नहीं हूँ, कभी कभार के ले लेती हूँ नाश्ते में, मुझे शौक नहीं है अचार वगैरह लेने का, और मन भी नहीं था, बस दो ही रोटी खाई। खाना खाने के बाद अभी मैं दूध पकने के लिए रख रही थी, तो देखिए कभी कभार मैं शाम में बिल्कुल लास्ट में खाने के बाद भी पका लेती हूँ, और कभी कभार खाने के साथ साथ भी पका लेती हूँ। तो अभी मैं दूध छान रही थी, तो एक कमेंट आ रहा था कि मुझे दीदी छन्नी ले लीजिए, तो देखिए हमारे एक छन्नी और है, वो आज उस वाली से छान रही, तो दो छन्नी है, तो ये मम्मी ने रख रखी थी कहीं पर, तो मैंने उनसे ली है कि मम्मी छन्नी दे दो दूसरे वाली, तब छाना है, दूध छान लिया है। और अभी गैस को चला दूँगी, पंखा चला रहा था, काफ़ी तेज हवा लग रही थी, तो अगर पंखा बंद कर देते हैं गर्मी लगती है, चला देते हैं तेज हवा लगती है, तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी होगा हो ही जाएगा। अब इसके बाद तो देखिए मैंने दूध पकने के लिए रख दिया, और ये कुछ मंजे हुए बर्तन रखे हुए थे मेरे बाहर, जिन्हें मैं अभी उठा कर लाई थी और मुझे टोकरे में रखना था, और अभी मांजने के बाहर रखे हुए हैं, और यहाँ पर मम्मी का कुछ रखा हुआ था, संदूक पर डब्बा रखा हुआ था, तो मम्मी इसे उठा रही थी, और इधर मैं खड़ी थी, इधर सोफ़ा था, तो मुझे भी खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, फिर मैं हट गई। मैं यहाँ पर एक रोटी रखी हुई थी मम्मी जिसे डब्बे में उठा कर रख रही थी, तो मैं हट गई थी यहाँ से और वो रख रही थी। तो मैंने अपने यहाँ पर अमनी ने मेरे कपड़े डाल दिए थे यहाँ पर जो मैंने धोए थे, तो मेरे प्लाजो नीचे गिर गया था, मैं उसे देख रही थी, और ये कपड़े थे इन्हें उतार कर सोफे पर रख रही थी, और यहीं इसके पापा जी सुन रहे थे फ़ोन, उन पर किसी का फ़ोन आ रहा था, और अमनी को तो आप देख ही रहे हो, वो तो पक्की डांसर है। वो टीम अभी देखिए बर्तन पड़े हुए थे कुछ शाम में, जब देखिए वो भी सारे जो पहले मंजे हुए बर्तन थे वे भी रखे थे, तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं शाम में भी। देखिए पतीली वगैरह भगोने, दूध का भगोना था वो भी खाली कर कर साफ किया है, और अभी कहीं थी उसके बाद तैयार कर रही थी, और राठी जी को दे दिया है, और मम्मी ने भी पी लिया है, और ये कुछ कपड़े रखे हुए थे जो मैंने कल धुले थे, अभी जिनकी मुझे तय बनानी थी। तो देखिए दिन में मेरे नहीं लगता कि मैं कपड़ों की तय बना लूं, तो मैं ज़्यादातर शाम में, और जो लग गया दिन में टाइम तो वैसे ही रखे रहते हैं, फिर ही रखने पड़ते हैं, तो अभी इन कपड़ों को भी उठा कर रख दूंगी मैं।
हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे व्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो देखिए जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ज़्यादातर पीछे से आवाज़ आती रहती है, तो आप लोग सोचते हो या नहीं सोचते हो आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे पास में ही चक्की है, तो वो शाम में चलती है, वो रात को गेहूँ पीसते हैं मतलब आटा पीसते हैं, तो उसकी आवाज़ आती रहती है चक्की। मैं कहीं भी चली जाऊँ उसकी आवाज़ वहीं आएगी घर में, तो ऐसे ही मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो आज मैंने घर पर काफ़ी सारी मस्ती की है। तो देखिए कोरोना तो चल ही रहा है, तो कोरोना के चलते चलते ही घर में की हमने इतनी सारी मस्ती, तो हस्बैंड डांटने लगे कि ये क्या है, क्या कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता है। देखिए काफ़ी मन लगा, इतनी सारी मस्ती की है, तो कभी कभार थोड़ी बहुत मस्ती भी कर लेनी चाहिए। आप लोग कमेंट करते रहते हो कि पूरे दिन काम ही करते हो दीदी, आराम नहीं करते हो, मजाक मस्ती नहीं करते हो, तो आज थोड़ी सी मस्ती की है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे व्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो कुछ नाम थे जो मुझे लेने हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, बुरा मत मानिएगा। आज मैं पूरे दिन से इतनी ज़्यादा थक रही हूँ, और अभी भी देखिए मेरी तबीयत बहुत डाउन सी हो रही है, क्योंकि मेरे बेटे कार्यों को पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत मुश्किल में सोया है। करीबन 3-3.5 घंटे तक मैं उसे लेकर घूमती रही, वो अभी सोया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।